आज का जहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट करने हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क जो हम कंटिन्यू किए हुए थे, उस कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक्स मैंने अपने एक ट्यूटोरियल जो मैंने आपको अपलोड करके रखे हुए हैं, वो है कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर कोड का जो कोड है उसका 610 के नाम से। अब से जो हमारी स्टडी होगी, स्टार्ट होगी, वो है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क CS601 के हिसाब से। इसमें जो कंटेंट है आपके, जो भी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर नेटवर्क के कंटेंट और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के जो कंटेंट, वो आज कंटिन्यू वो सारे मर्ज अप होंगे, फिर आपके एक सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में पहले जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो ये हैं, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो इसका टॉपिक ये है इस बुक का, और सेकेंड एडिशन बाय बिरोज ए फ्रोजन के नाम से, उसके बाद डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिक्स एडिशन बाय विलियम स्टेलिंग के नाम से, ये दो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं। उसके बाद ये बुक्स आपने पीडीएफ फाइल में आप कहीं से भी इजीली, ये अवेलेबल हैं आपके नेट पर, तो वहाँ से आप इजीली पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड जो के हमने इस डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ना है, डेटा कम्युनिकेशन जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क में भी हम पढ़ चुके हैं, वो बेसिकली सेम है। ये एडवांस लेवल है कंप्यूटर नेटवर्क का, कि उसमें भी हमने यही बात की थी कि इसमें दो चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व, कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा होता है सेंडर टू रिसीवर, और उसमें एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के तरफ हमारा डाटा कन्वे हो रहा होता है। और कैसे कन्वे होता है? ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए, तो एक्सचेंज ऑफ डाटा या शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, और वो जो कनेक्टेड होती हैं वो चैनल के थ्रू होते हैं। वो चैनल कौन सा होता है? वो एक ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसको हम इस्तेमाल करके हम अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड, ये इजीली थी क्योंकि हमने कंप्यूटर नेटवर्क में भी इसको कंटिन्यू रखा था कि शेयर्ड मीडिया इस्तेमाल करते हैं हम अपनी कम्युनिकेशन को, एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसमिशन मीडिया। ये वही एग्जांपल, वही डेफिनेशंस है, लेकिन इसको मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, तो सारी रिलेट है, वही टॉपिक है, वही सब कुछ है, लेकिन कुछ एडवांस लेवल में है, जो कि आज इसको स्टडी आउट करवाया जाता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, वो डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को मॉडिफाइड इस तरह किया जाए कि डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वन। हर कोई जानता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज जीरो और वन की फॉर्म में होती है। वो एक्सचेंज करता है कि आपकी जो जीरो लाइन की लैंग्वेज को है डेटा कम्युनिकेशन में, उसमें को एक्सचेंज करता है बिटवीन टू डिवाइसेस के दरमियान, मीन्स टू कंप्यूटर्स के दरमियान। या तो वो यूज करता है सम फॉर्म ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया, मीडियम मीडियम मैंने आपको इस पर पूरा चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ाया हुआ है, जिसमें हमने कोएक्सियल केबल देखा था, फाइबर ऑप्टिक्स देखा था, उसके बाद हमने वायरलेस मीडिया जिसमें गाइडेड और अनगाइडेड है, ये सारा ट्रांसमिशन मीडिया। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस बुक को पढ़ाने से पहले कंप्यूटर नेटवर्क के वो सिक्स जो मैंने वहां पर टॉपिक्स आपको रीड आउट करवाए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, इस पर पूरा हमने चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हमने केबल्स की सारी की हैं, उसके बाद हमने जो माइक्रोवेव, रेडियो, सैटेलाइट, जितनी भी ट्रांसमिशन मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफर डाटा करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, वो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग ही कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास, अगर मैं सिंपली, अगर मैंने आपको बताया भी था लोकल, रिमोट और ग्लोबल कॉन्सेप्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपकी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्किंग हो रही है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस अगर प्रेजेंट हो सेम बिल्डिंग में या सेम एरिया में, सिमिलर डिस्ट्रिक्टेड होंगी, वहां पर जियोग्राफिकल एरिया नहीं ऐड होगा, जियोग्राफिकल मीन में सेटेलाइट आ जाते हैं, तो ये लोकल एक कम्युनिकेशन, वो लोकल कम्युनिकेशन होती है जो के सेम बिल्डिंग में डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, एरियाज भी सेम हो, तो उसको लोकल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह आपके पास रिमोट कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो के एक दूसरे से थोड़े से दूर हों, या दो बिल्डिंग्स कर लो, या आप ऐसे कर लें कि एक सिटी और दूसरे सिटी। ये मैंने आपको आपको लास्ट जो कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर्स में भी आपको पढ़ाया था, लोकल, रिमोट और ग्लोबली क्या होते हैं। ग्लोबल का यही होता है कि वो एनीवेयर से अगर डाटा आप एक्सेस करना चाहें तो वो ग्लोबली होता है,
अगर आप सेम एरिया से डाटा एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं या आप उसमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया यूज करके, तो वो लोकल होती है। अगर आप वो अपनी ट्रांसमिशन टू आर मोर सिटीज में कर रहे हो तो वो रिमोट कहलाती है। अच्छा, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि आपके डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि फॉर डाटा कम्युनिकेशन टू अकर, डाटा कम्युनिकेशन तब भी पाई जाती है जब कम्युनिकेशन डिवाइसेस किसी भी सिस्टम का पार्ट हो और वो किसी किस्म के स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ बनी हो, तो उसको डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, डाटा कम्युनिकेशन तब भी हो सकती है जब कम्युनिकेटिंग डिवाइस सिस्टम का पार्ट हो और वो जो सिस्टम के पार्ट हो वो किसी खास किस्म के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बने हों, उसको क्या कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड, इफेक्टिवनेस या उसको पैरामीटर्स भी कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के, उसमें आता है डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। इसको कंटिन्यू करवाता हूँ, वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, डिलीवरी के हिसाब से ये होता है कि आपका इस बारे में इंश्योर होना कि आपका डाटा ऑन टाइम पर सेंड हो रहा है और उस बंदे उस कंप्यूटर के पास जिस पर पहुंचाना हो वहां सेंड हुआ टाइम टू टाइम, ये है डिलीवरी। कि आपने कोई पार्ट लिया और उसको कहीं सेंड आउट करना चाह रहे हैं और अगर उस डेस्टिनेशन पॉइंट पर वो पहुंच जाए तो आपने आपकी डिलीवरी जो है वो सक्सेसफुल है कम्युनिकेशन के हवाले से। एक्यूरेसी का मतलब होता है जब आप किसी राइट पर्सन को डाटा देते हैं लेकिन डाटा अगर दरमियान में दो पर्सन के दरमियान किसी किस्म का चेंज हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो अगर चेंज रास्ते में हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वो डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाएगा और अगर पहुंचेगा भी तो वो डाटा चेंज होगा। तो इस चीज का एक्यूरेट करना, एक्यूरेसी करना कि अगर डाटा डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है कि वो एक्यूरेट होना चाहिए, जिस तरह आपने सेंडर से सेंड किया, जो भी ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल किया उसकी बेस पर जो डाटा आपने रिसीवर तक पहुंच रहा है उसमें किसी किस्म की खलल नहीं आना चाहिए। एक्यूरेसी ये होता है एक्यूरेट, जैसा जिससे सेंड किया था वैसा ही पहुंचे, और अगर इस तरह के डेस्टिनेशन पर ना पहुंचे तो वो यूजलेस कहलाता है, किसी काम का नहीं कहलाता। टाइमलीनेस कहते हैं विद इन टाइम डाटा इज ट्रांसफर ऑन डेस्टिनेशन, विद इन टाइम डाटा इज ट्रांसफर ऑन डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल ऑडियो वीडियो डाटा ये सब जो इन्वॉल्व होते हैं वो टाइमलीनेस में आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जिटर का, जिटर का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, ये टाइमलाइन होती है एक जिसमें हम डाटा को थोड़ा सा डिले देते हैं जस्ट 2 सेकंड का। अगर किसी भी डाटा को हम 2 सेकंड का डिले दें तो उसको जिटर के मायने में कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारा डिले कंटिन्यूस या वेरिएबल हो, जैसे कि 2 सेकंड के बाद डिले, 2 सेकंड के बाद डिले, 2 सेकंड के बाद डिले, डाटा थोड़ा सा जाता है फिर 2 सेकंड का डिले होता है, फिर जाता है 2 सेकंड का डिले होता है, फिर जाता है 2 सेकंड का डिले होता है। जैसे आपने वेव्स की फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में डाटा जो सेंड होता है ना उस फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, डाटा एक साइड पर गया फिर उसके बाद 2 सेकंड का वेट हुआ, फिर उसके बाद डाटा सेंड हुआ फिर 2 सेकंड का वेट। अगर ये जो वेट है सेम हो, कंटिन्यूस हो या वेरिएबल हो इसमें, it will be a then it will be a jitter and it is almost impossible to handle it. agar kisi kism ka isme jitter aa jata hai to usko handle karna mushkil ho jata hai. aur agar delay ek to agar ye hai na aapko bataya inconsistent hai, 2 second ka delay aaya fir data gaya, 2 second ka delay aaya fir data gaya, 2 second ka delay aaya, jab data aapka jo delay consistent hoga तो मशीन जो है वो डाटा को एक्सेप्ट करेगी। अदरवाइज अगर उसमें वेरिएबल्स हों, यानी कि एक डाटा सेंड हुआ उसके बाद 5 सेकंड का वेट आ गया, अगला डाटा सेंड हुआ उसके बाद 10 सेकंड का वेट आया, उसके अगला डाटा सेंड हुआ उसके में 15 सेकंड का वेट आ गया, तो ये जो डिफरेंसेस वेट हैं डिले हैं ये
जिटर तो होगा, जिटर होगा क्योंकि डिले आया है, डिले का वक्त, डिले का मैन ही जिटर होता है। लेकिन जो डिले आया है अगर वो कंटिन्यूस या वेरिएबल होते रहे तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और वो ना पार्ट नहीं होता, एक्सेप्टिंग पार्ट नहीं होता। लेकिन अगर डिले जो है कंसिस्टेंट आ रहा है तो आपका जिटर भी होगा और डाटा एक्सेप्ट भी किया जाएगा। ये थे इफेक्टिवनेस और पैरामीटर ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम की फिगर से आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो आपको स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये पहले इस फिगर को समझें कि दो कंप्यूटर हैं, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। एक किसी ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए डाटा ट्रांसफर होना है, जाहिर सी बात है कोई मैसेज कन्वे होना है। अब इसमें वन सेंडर, सेकेंड मैसेज, थर्ड रिसीवर, फोर्थ मीडियम और फिफ्थ है प्रोटोकॉल। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में, सिंपल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये प्रोटोकॉल क्या है, इसका बेसिक किसी को शायद कोई किसी ने आपको ना बताया हो। मिसाल के तौर पर डेटा मैं सेंड करना चाह रहा हूँ और डेटा में मुझे इंग्लिश नहीं आती, बिलफर्ज मुझे इंग्लिश नहीं आती, और मेरे सामने जो बैठा है जिसको मैंने डेटा सेंड करना है उसको इंग्लिश आती है, उसने मुझे इंग्लिश में कुछ सेंड किया, मुझे समझ भी कुछ नहीं आई। मेरे पास डाटा आ गया, मुझे समझ अगर कुछ नहीं आएगी, क्या वो डाटा सेंड हुआ किसी काम का हुआ? नहीं, क्योंकि प्रोटोकॉल्स नहीं अपनाए गए। इस बात का अंदाजा, इस बात का कंफर्मेशन नहीं हुई है जो प्रोटोकॉल है कि वो सेम लैंग्वेज इस्तेमाल करना जो लैंग्वेज अदर्स को भी पता हो, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना जिसके जरिए अपना काम आप करते हैं और अगले को उसकी नाउहाउ भी हो। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क CS601 को यहीं से स्टार्ट करेंगे।